हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिनल और फाइंडिंग गिनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग की कार ख़राब हो गई है और हम लोग गए थे ट्रेन से वाराणसी जम्मू से, तो जम्मू से हम लोग वाराणसी से फिर से आ रहे थे। तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग अभी जालंधर उतरेंगे, और ये हमारे मन में भी नहीं था, लेकिन सुबह एक घंटे पहले लुधियाना में हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग अमृतसर भी करते। तो हम लोग अभी यहाँ पर रुक गए हैं और यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे बस से अमृतसर, और अमृतसर घूमने के बाद वापस जाएंगे जम्मू। कार को ख़राब हुए 10 दिन हो गए हैं और उसके ठीक होने का कोई भी क्लू नहीं दे रहा कि हाँ आपकी गाड़ी ठीक होगी। तो ये खराबी हो रही है, ये परेशानी हो रही है, सब कुछ बताते हैं, लेकिन आई होप कि गाड़ी ठीक हो और हम हमारी कंप्लीट करें पूरी जर्नी। आप भी प्रे कीजिए। तो हम लोग अभी निकल गए हैं अमृतसर के लिए। एक्चुअली यहाँ से नहीं है ट्रेन अमृतसर के लिए, नहीं तो हम यहाँ से ही जाते। दूसरा रेलवे स्टेशन है जालंधर का ही, तो बस से जा रहे हैं। यहाँ सामने ही बस स्टॉप है, मतलब सामने नहीं, 500 मीटर हम लोग को चल के जाना पड़ेगा। तो चलती का नाम जिंदगी है, गाड़ी ख़राब हो गई तो क्या हुआ, ट्रेन से सफ़र करेंगे। घूमना तो है ही, पैशन तो है घूमने का, तो चलिए चलते। हम लोग अभी पहुंच गए हैं अमृतसर और हम लोग रुके हैं MM पैराडाइज, और ये गुरुद्वारे के बैक साइड पर ही है। और हम लोग को अभी बहुत बैड न्यूज़ पता चली है। हम लोग अभी यहाँ पर आने के बाद गैरेज वाले का कॉल आया कि आपकी कार का पूरा गियर बॉक्स चेंज करना पड़ेगा। मतलब बस कुछ नहीं हुआ था, कटरा से हम लोग गेट के बाहर निकले होटल से और गाड़ी स्मूथली स्टॉप हो गई, गाड़ी चली ही नहीं, झटका नहीं, कुछ भी नहीं, धुआं नहीं, कुछ भी नहीं, बस स्टॉप। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे, बहुत सारी बारिश हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। फिर गैरेज वाले को दिखाया, 5-6 दिन लगेंगे बोले, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर रुकने की बजाय हम लोग ट्रेन से वाराणसी गए, वाराणसी से यहाँ पर आए हैं और सोचा कि अमृतसर घूम लेते हैं, तो अमृतसर रुके हैं। अभी यहाँ आके ये पता चला है कि पूरा का पूरा गियर बॉक्स ही चेंज करना पड़ेगा, और उसका जो कोटिंग हम लोग को दिया है वो 3 लाख रुपीज़ है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब इतना एक्सपेंस तो अभी फिलहाल तो हम लोग नहीं कर सकते, 50-70,000 हम लोगों ने सोचा था, इतना तो कर सकते, 1 लाख तो चलो लास्ट, लेकिन अभी इतना नहीं होगा। तो हम लोगों ने अभी ये डिसाइड किया है कि हम लोग हमारी स्कोडा सुपर्ब यहाँ पर ही बेचने वाले हैं और आगे की जर्नी ट्रेन से करेंगे, पुणे से, हो सके जितना बोर नहीं हुआ तो उतना कवर करेंगे, और उसके बाद पुणे चले जाएंगे। तो यही है अभी कार का अपडेट, क्या कर सकते हैं, बहुत बुरा लग रहा है। अभी चलो हम लोग चलते हैं अमृतसर घूमने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं अमृतसर और हम लोग अभी जा रहे हैं गोल्डन टेंपल। आप मेरे पीछे सुन रहे होंगे, हम लोग गोल्डन टेंपल के बैक साइड के गेट पर है, बहुत ही एक्साइटेड है। और यहाँ पर हम लोगों को अभी आते आते हो गए शाम के 4, तो अभी देखते हैं अंदर कैमरा अलाउड है कि नहीं, तो चलो चलते हैं। गोल्डन टेंपल को हर मंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है। सिखों के प्रमुख 5 तीर्थ स्थलों में से ये एक है और पंजाब के मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये है। ये 400 साल पुराना टेंपल है। 17वीं सदी में महाराज सरदार जस्सा सिंह अहलुवालिया ने इसे बनाया था। 19वीं सदी में अफगान हमलावरों ने इसे नष्ट कर दिया था, तो महाराज रंजीत सिंह ने इसे फिर से बनवाया और सोने की परत चढ़वाई। तो यहाँ पर 800 किलोग्राम सोना है। इसी के साथ साथ अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको फ्री सर्विस भी है, 3 दिन आप यहाँ पर रह सकते हो और उसके बिल्कुल भी चार्जेस नहीं है। 228 रूम और 18 बड़े बड़े हॉल है जिसमें आपको गद्दी और ब्लैंकेट दी जाती है।
यहाँ बड़े चार दरवाजे हैं यहाँ आने के लिए, जो चारों दिशाओं में खुलते हैं। और यहाँ पर लंगर लगता है जहाँ पर 5,000 से भी ज़्यादा लोग खाना खा सकते हैं। यहाँ का टाइमिंग है सुबह 3 बजे से रात को 10 बजे तक। और यहाँ के जो आसपास के टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है जालियांवाला बाग। और आप यहाँ पर कैसे आ सकते हो, तो आपको यहाँ पर बाय ट्रेन, बाय बस या फिर आप प्लेन से भी आ सकते हो। बड़े शहरों से आपको प्लेन और ट्रेन की सुविधा है और बस तो आपको 24 घंटे मिलेगी ही। तो बहुत खूबसूरत टेंपल है, जैसे ही ये खूबसूरत दिखता है सुबह वैसे ही ये शाम को और भी खूबसूरत दिखता है। हम लोगों का अंदर दर्शन करके हो गया है और बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। और हम लोग अभी जा रहे हैं लंगर के लिए। लंगर करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारा टाइम स्पेंड किया क्योंकि शाम को ये टेंपल बहुत ही खूबसूरत दिखता है। गोल्डन टेंपल के साथ साथ जो बाकी की वाइट बिल्डिंग है वो बहुत ही चमक उठती है। यहाँ पर एक सिस्टम है, आप अलग से प्रसाद खरीद सकते हो जिसके 11 रुपये से 1,000 रुपीज़ तक के चार्जेस है। पर्ची कटाने के बाद वहाँ पर से ही आपको प्रसाद मिलता है। एक दूसरा काउंटर है जहाँ जाकर आपको भोग चढ़ाना होता है, वो आपको अलग से आधा प्रसाद दे देते हैं। बहुत ही अच्छी सिस्टम है, जो बाकी का प्रसाद है वो दूसरे भाविक को दिया जाता है प्रसाद के रूप में। मैं हूँ अभी जालियांवाला बाग में और यहाँ के कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं है। और जो अपना गोल्डन टेंपल है वहाँ से 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। और यहाँ पर आए हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। हम लोगों ने पूरा एक्सप्लोर कर लिया, मेरे विचार देख सकते हो बहुत ही बड़ा कैंपस है। और इसके साथ साथ पूरे बदन पर रोंगटे खड़े हो गए हैं इसके हिस्ट्री जान के। 1919 में जनरल डायर ने रॉयल एक्ट के तहत नादान और छोटे बच्चे बूढ़े सभी के ऊपर गोलियां बरसाई थी। इतने क्रूर थे कि मतलब है ना, इतना यहाँ पर आके ना इतना अच्छा फील हो रहा है, इतना प्राउड फील हो रहा है। इसके साथ साथ हम लोग अभी यहाँ पर बहुत सारे गैलरीज भी है जिसमें हम लोग को हिस्ट्री देखने के लिए देख रहे थे। ये पीछे जो कुआ देख रहे हो इसके अंदर फूट गए थे, इतना डीप अंदर नीचे तक कुआ है। कैसे किया, मतलब कैसे, क्या सिचुएशन रही होगी वो आप सोच कर ही ये कर सकते हो। ये देख रहे हो, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जिसमें आप यहाँ पर जाकर आप हिस्ट्री जान सकते हो और यहाँ पर गैलरी भी आप विजिट। जालियांवाला बाग ये देखो, यहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ थी बंदूक दंदन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने बाजी अपने जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। उन लोगों ने उस टाइम पर सेक्रीफाइस किया था, इसलिए हम लोग अभी ये ऐसे रह रहे हैं। सानवी पूछ रही थी, उसको हिस्ट्री बता दे रही थी, तो वो भी बहुत अच्छे तरह से सुन के शॉक हो गई थी। तो बच्चों को ये सब चीज़ें दिखानी चाहिए, उनको अभी से ये सब बताएंगे तो वो आगे जाके कुछ ना कुछ तो हमारे देश के लिए करेंगे और सानू भी करेगी 101%। मैं उसको ये सब कुछ याद दिला के सिखाऊंगी। तो चलिए हम लोग अभी हमारा तो ये जालियांवाला बाग देख के हो गया है, हम लोग अभी बाहर जाके देखेंगे। वाघा बॉर्डर क्लोज है कोरोना की वजह से, तो हम लोग अभी वहाँ पर नहीं जा सकते। तो देखते हैं यहाँ पर और विजिट करने के लिए कौन से प्लेसेस हैं। जालियांवाला
वाला बाग अभी रिसेंटली रिनोवेट किया गया है, तो यहाँ पर चार छोटे छोटे म्यूजियम बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पर हम लोगों को थिएटर बनाया गया है एनिमेटेड मूवी दिखाने के लिए, जिसमें हम लोगों को सभी जो इसकी हिस्ट्री है वो दिखाई जाती है। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छे से सब कुछ बनाया गया है, दिखाया गया है, तो हम लोगों को डिटेल में सब कुछ बातें पता चलती है। हम लोग अभी महाराजा रंजीत सिंह के सर्कल के यहाँ पर है और यहाँ से स्ट्रेट जाते हैं तो जालियांवाला बाग है, उसके बाद राइट में मुड़ते हो तो गोल्डन टेंपल है और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाए गए हैं। जैसे कि ये देखो, ये पूरा जैसे कि रेड स्टोन में बनाया हुआ बिल्डिंग, और जो इनके जो शॉप के बोर्ड होते हैं वो भी मरून कलर के हैं, और यहाँ पर सिर्फ पंजाबी में बोर्ड लिखा हुआ है या फिर इंग्लिश में, आपको हिंदी में लिखा हुआ नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। और यहाँ पर स्ट्रीट पर बहुत सारे कपड़े के, खिलौनों के, जूती, पंजाबी जूती, पंजाबी ड्रेस, ये सब के क्लोथ्स के शॉप्स है, लस्सी वस्सी और खाने पीने के भी शॉप्स है। तो अब देख रहे होंगे मौसम कैसा है, दोपहर के 2 बजे है, धूप बिल्कुल भी खिली हुई नहीं है, ऐसा ही यहाँ का क्लाइमेट रहता है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। इसके साथ साथ ये देखो सानू और मम्मी सेम सेम पंजाबी बने हुए, ये देखो सानू सानू की भी शॉपिंग हो गई है, उसने भी पंजाबी ड्रेस ले लिया, जूती ले ली है झगड़ झगड़ के, है ना जूती देखा सानू सी बहुत खुश है वो तो शॉपिंग करके, तो और भी उसका मन भरा नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता है। चलो अमृतसर में गोल्डन टेंपल और जालियांवाला बाग देखने के बाद हम लोगों ने शॉपिंग की और हमारा अमृतसर ट्रिप यहीं पर ख़त्म हो गया। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।